गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर आधा घंटा भी किचन में काम कर लें तो हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में अगर घर में सभी का मीठा खाने के मन हो तो फिर थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। पर आज मैं आपके लिए ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ जिसको बनाने के लिए आपको गैस भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मिठाई सिर्फ 8 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं इसको। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलो बनाते हैं इसे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जार और इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी। और चीनी की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे जितना हम चीनी यूज़ करें इससे बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा, फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप यहाँ आधा कप भी चीनी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 इलायची के दाने और इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद बिल्कुल फाइन साइज का पाउडर बनाना है, आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं। देखिए इस तरीके का बिल्कुल फाइन पाउडर बनाने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप मीडियम टेक्सचर का देसी घी। तो जो घी है वो ना तो बिल्कुल पिघला हुआ होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए। तो बस घी डालने के बाद अब इसे करीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो घी है वो हल्का सा स्मूथ सा टेक्सचर हो जाए उसका भी, और थोड़ा सा ये हल्का हो जाए। तो देखिए इस तरीके से 1-2 मिनट फेंटने के बाद इसका टेक्सचर हो जाता है, ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्मूथ भी हो गया और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस अभी स्टेज में हम वो चीज़ डालेंगे जिससे हमारी मिठाई को हमें बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लेंगे भुने हुए चने यानी भुगड़े। तो ये बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से छिलके वाले भी मिलते हैं और बिना छिलके वाले भी मिलते हैं, तो जो भी आपके यहाँ मिले आप वो ले लें। तो अगर बिना छिलके वाले मिलते हैं तो आप इसके छिलके उतार कर इसको पीस लें। पीसने के बाद इसको हम छान लेंगे ताकि जो छिलके वगैरह वो सारे छलनी में ही रह जाए, और उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे। तो मतलब हमें 1 कप यहाँ लेना है सत्तू का आटा। अब इस आटे को डालने के साथ में ही इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो ये आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी यहाँ रख सकते हैं। बस इसको डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसका एक डो जैसी फॉर्म में इसको लेके आना है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि ये बन ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो आप यहाँ थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर करीबन 1 टेबलस्पून घी और लगा है। तो घी डालने के बाद इसको फिर से हम मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं जो ये मिश्रण है बिल्कुल डो जैसी फॉर्म में आ गया है। अब इसके हमें पेड़े बनाने हैं, तो उसके लिए इस मिश्रण में से थोड़ा सा पोर्शन लेके पहले हम इसको गोल शेप देंगे, उसके बाद हल्का सा फ्लैट करेंगे। अब अंगूठे से थोड़ा सा निशान बनाएंगे और जो ये निशान हमने बनाया इसके अंदर हम बारीक चॉप किए हुए पिस्ता या फिर अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट्स या नट्स इसके अंदर डालेंगे ताकि जो पेड़ है वो देखने में और ज्यादा सुंदर लगे। बस अब इसी तरीके से सारा जो ये डो है इसके हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, और पेड़ों का जो साइज है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सारे डो के पेड़े बना लिए हैं। तो अब इन पेड़ों को यहाँ मैंने थोड़े से चांदी के वर्क के साथ भी गार्निश किया ताकि ये देखने में थोड़े से अच्छे लगे। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल आप अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट्स या पिस्ता के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो बस ये हमारे भुने हुए चने के सिंपल से पेड़े बनकर तैयार हैं। आपने देख ही लिया बिल्कुल आसान है, सिर्फ 8 से 10 मिनट ही लगे इसको बनाने में, और खाकर इसको कोई बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि आपने इसे चने के साथ बनाया वो भी बिना गैस चलाए। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बना है। तो आप ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद घर में सबको कैसे लगे प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।